हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था, मेरे पिछले जो वीडियो था उसमें बताया था कि बहुत सारा रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैंने नहीं किया है अभी तक, तो उसका मैं पहला जो वीडियो है वो करने जा रही हूँ आज, जो कि मेरा एक फ्रेंड है उसने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उसका बेटे का बर्थडे है 18th को, तो अभी गुवाहाटी में लॉकडाउन है इसलिए जो उसका घर में मौजूद है मतलब बिस्किट्स वगैरह, उससे ही एक केक बनाने के लिए, सो मैं अभी वही बनाने जा रही हूँ ताकि बहुत ही आसान तरीके से वो बना सके अपने घर में और अपने बच्चों को खुश कर सके। तो ऐसे ही मैं आज मैरी गोल्ड बिस्किट से एक केक बना के आप लोग को दिखाऊंगी। मतलब चॉकलेट बिस्किट से बहुत सारा केक बनाया जाता है, बहुत यम्मी सा, टेस्टी सा। अभी लॉकडाउन के बीच हो सकता है चॉकलेट बिस्किट उसके साथ अवेलेबल नहीं हो, बट मैरी गोल्ड बिस्किट तो रहता ही है, इसलिए मैं ऑप्शन रखूंगी ताकि ये जो मैं केक दिखाने जा रही हूँ वो मैरी गोल्ड बिस्किट से भी बना सके और बाकी दूसरा बिस्किट से भी बना सके, तो मैं उसको बना के दिखाऊंगी। उससे पहले मैं एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। तो ये वीडियो खास करके मैं आप सभी के लिए शूट करने बोली थी, तो वो लोग ने एक वीडियो भेजा है मुझे, तो चलिए वो वीडियो पहले दिखा लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज की ब्लॉग। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो देख के? आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। खास तौर से मैंने वो लोग को रिक्वेस्ट किया था ताकि आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया जाए फर्स्ट मंथ का एनिवर्सरी का, सो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना। और अभी चलिए मैं किचन में जाती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ एक यम्मी सा, टेस्टी सा, सबसे इजीएस्ट एक केक का रेसिपी। तो चलिए मेरे साथ किचन में, क्योंकि आप लोग हमेशा जाते हो।
वेलकम टू माय किचन। जैसे कि मैंने वीडियो की बिगनिंग में आप लोग को बोला था कि मैं आज एक केक बनाने जा रही हूँ, तो मैं ये मैरीगोल्ड बिस्किट यूज़ करके एक केक बनाने जा रही हूँ। ये केक आप किसी भी बिस्किट से बना सकते हो, खाली ओट्स बिस्किट आप इस्तेमाल मत कीजिए, बाकी का बिस्किट आप यूज़ कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे दो मैरीगोल्ड बिस्किट ले लिया है, एक पैकेट तो मैं पूरा दूंगी और एक का मैं सिर्फ 5 पीस यूज़ करूँगी, बाकी का मैं रख दूंगी, मुझे नहीं चाहिए होगा। तो आपको अगर ज़्यादा बड़ा केक बनाना है तो आप यूज़ कर सकते हो। उसके मैंने यहाँ पे 1/2 कप शुगर ऐसे पीस के फाइन पाउडर बना लिया है, आपके पास अगर आइसिंग शुगर है तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा मैंने जो वो मैरीगोल्ड बिस्किट छोटा छोटा पीसेस कर लिया था उसको भी मैंने ऐसे पीस के पाउडर बना लिया है, ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है इसका, तो ऐसे फाइन पाउडर बना लीजिएगा ताकि बड़ा कुछ रहना जाए टुकड़ा। उसके अलावा मैंने 1/2 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। उसके अलावा मैंने रिफाइंड ऑयल 3 टेबल स्पून यहाँ पे यूज़ किया है, तो आप चाहो तो बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैं 1/4 कप दूध मिला दूँगी, तो दूध आप देख लीजिएगा जिस हिसाब से आप जितना दोगे उस हिसाब से आपको दूध देना पड़ेगा, ज़्यादा दूध भी देना पड़ सकता है अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो। इसका कंसिस्टेंसी मेन मैटर करता है, तो उसका देख लीजिएगा कितना होता है, तो उस हिसाब से ही आप लोग बनाइएगा। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा एक केक होने जा रहा है, बहुत ही अच्छा होता है। मैं जल्दी जल्दी से आप लोग को दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद मैंने एक केक टिन ले लिया है, केक टिन में अच्छे से मैंने ऑयल लगा के पाउडर डस्ट कर लिया है। उसके बाद मैं इसको उल्टा करके एक्सिस जो मैदा है उसको निकाल लूँगी, इसमें मैं तबला बजा के निकाल दी हूँ। तो अभी जो बैटर बना के रखी थी उसको मैंने दे दिया। अभी मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हम लोग का टी टाइम में भी काम आ जाए। मेरे हस्बैंड को ड्राई फ्रूट्स देना बहुत पसंद है, मतलब केक में खाना पसंद है। अभी मेरा केक रेडी हो गया है, 15 मिनट्स बेक करने के बाद केक रेडी हो चुका है। कितना अच्छा केक बन के रेडी हुआ है आप लोग देख के ही जान गए होंगे, तो मैं इसको कट करके भी दिखाऊंगी। और मैं इसका जब तक ये ठंडा होता है इसका कोटिंग मैं दिखा रही हूँ क्योंकि ये बच्चे का केक है, बच्चों को खाना पसंद है, तो डेरी मिल्क ऑब्वियसली आपका शायद फ्रिज में होता ही है, तो उस डेरी मिल्क से आप ऊपर का जो लेयर होता है उसको बना सकते हो अच्छे से। तो डेरी मिल्क चॉकलेट ऐसे ले लीजिएगा, उसके उसमें 2 टेबल स्पून ऐसे दूध देने के बाद अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। पहले तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन धीरे धीरे ये मेल्ट हो जाता है। होने के बाद इसको ऊपर का कोटिंग लेयर आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हस्बैंड को ऐसे चॉकलेट केक दे के खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं बाकी का रख दी हूँ और 2 पीस ही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि कैसे आप लोग बना के खा सकते हो। तो ऐसे अच्छे से डेरी मिल्क का जो मैं मेल्ट की थी उसको ऊपर ऐसे दे दीजिए और सारी तरफ से अच्छे से उसको ढक दीजिए, नहीं ढकने से भी होगा, सिर्फ ऊपर का लेयर होने से ही हो जाएगा। और अगर आपके पास स्प्रिंकल है तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हो, ये खाने में बहुत टेस्टी है, पता ही नहीं चलता है कि ये बिस्किट से बना है। तो आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आप लोग को ये रेसिपी। और आज की ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा, थैंक यू। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।